हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हमने लर्नीज का एक साल पूरा कंप्लीट कर लिया। दोस्तों पिछले साल 8 अप्रैल 2023 में दोस्तों हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। आप लोगों की हेल्प से दोस्तों अब हम 298 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। इस दौरान बहुत से वीडियो बनाए गए दोस्तों, 82 वीडियोस हमने बनाया, जो कि अपने आप में रिमार्केबल है ऐसे एक चैनल के लिए जो पहले किसी भी तरीके का क्रिएशन नहीं करता था। दोस्तों हमारा ये चैनल ई लर्निंग और ग्राफिक डिज़ाइन को हिंदी में सीखने का, मैं कह सकता हूँ, एक बहुत ही यूनिक चैनल है, क्योंकि इस तरीके के चैनल्स अगर आप YouTube पे सर्च करें तो बहुत ही कम मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको हिंदी भाषा में इतनी ईजी तरीके से चीज़ें सिखाई और समझाई जा रही हों। तो इस कम्युनिटी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप इसी तरीके से हमारे साथ अपना सफ़र जारी रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। दोस्तों पिछली बार वेब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमारे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है कि इसमें PDF को कैसे इम्पोर्ट किया जाए, वेब ऑब्जेक्ट के अंदर PDF को कैसे इम्पोर्ट किया जाए। दोस्तों ऐसे रिक्वेस्ट हमारे पास आते हैं क्लाइंट से भी, जहाँ पे क्लाइंट चाहता है कि हमें एक PDF ओपन करना है या एक डॉक्यूमेंट ओपन करना है इनटू द पेज ऑफ द कोर्स। ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए उसको कि क्लिक करके एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट खुले, एक एक्सटर्नल आइटम खुले, उसको चाहिए कि कोर्स के अंदर ही खुले। कई बार दोस्तों हमारे को ऐसे ग्लोसरीज भी बनाने पड़ते हैं, रिसोर्स का डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हमने वर्ड फाइल के अंदर बना के उसको एज अ PDF एक सेव कर दिया, और उस PDF को हम कोर्स में कहीं से लिंक करते हैं, मान लो क्लाइंट की फाइल से लिंक करते हैं, कहीं से भी लिंक करते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में भी हमें इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट पड़ता है कि हम अगर उसी ऑब्जेक्ट को स्टोरी लाइन के अंदर ही इम्पोर्ट कर दें तो वो कैसा रहेगा। तो आज के वीडियो में आज ये हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू लर्नीज, यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं। दोस्तों आपको अपने सामने एक वेब पेज दिख रहा है, इस वेब पेज में दोस्तों आप देखेंगे कि मैंने एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे स्टोरी लाइन पब्लिश आउटपुट के अंदर ओपन कराया है, मतलब पूरा का पूरा PDF यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों आई कैन यूज ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, जैसे मैं यहाँ पे जूम कर सकता हूँ दोस्तों अपने PDF को, जैसे कि मैं नॉर्मल ब्राउजर में करता हूँ, मैं उसको फिट टू पेज कर सकता हूँ, मैं उसको रोटेट कर सकता हूँ जैसे कि मैं ब्राउजर में करता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है, और इस PDF को मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकता हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं PDF के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हमने कोई एक अटैचमेंट को बना के डॉक्यूमेंट पीछे से चढ़ा दिया, इट इज़ नॉट लाइक दैट। पूरा का पूरा PDF जैसे चलना चाहिए एक्चुअली वैसे काम कर रहा है। अब ये PDF कैसे हम बना सकते हैं, स्टोरीलाइन एनवायरनमेंट पे जाके समझेंगे। दोस्तों आ जाते हैं अपने स्टोरीलाइन एनवायरनमेंट पे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या है, हम इसको इम्पोर्ट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ऑब्जेक्ट्स। तो वेब ऑब्जेक्ट्स में दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वेब ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए दोस्तों हमें कोड्स की ज़रूरत होती है। तो मान लो मैं अपने एक फोल्डर में आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक वेब ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये एक फोल्डर में मैं आ गया हूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक वेब ऑब्जेक्ट बनाना है। तो वेब ऑब्जेक्ट HTML मोड में बनता है दोस्तों, हमें मालूम है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले एक वेब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, मतलब मैं एक HTML फाइल क्रिएट करूँगा। HTML फाइल क्रिएट कैसे करना है दोस्तों, हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिसको हम नोटपैड भी बोलते हैं। इसका नाम दोस्तों हम अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं, PDF_test रख देता हूँ दोस्तों मैं नाम इसका, ठीक है। तो मैंने ये नाम रख दिया। अब इसके अंदर एक्चुअली अगर आप देखेंगे अभी कुछ नहीं है, ये ब्लैंक फाइल है, ठीक है। अब ब्लैंक वर्ड फाइल में दोस्तों मैं यहाँ पे एक्चुअल में अब कुछ कोड डालूंगा। कोड क्या डालूंगा, कैसे डालूंगा दोस्तों, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आप W3 स्कूल की वेबसाइट से जाके कोड ले सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको HTML में जाना है और यहाँ से जो भी जिस तरीके का भी आपको कोड चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बेसिकली एक पेज को लिखने का जो कोड होता है दोस्तों, वो हम बेसिक कोड यहाँ से हम उठा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को कोई भी किसी तरीके का कोड चाहिए कि भाई एक
पेज लिखने का कोड चाहिए, तो मैं सबसे पहले ये बेसिक उठा लेता हूँ। बेसिक क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप और ये सब। पहले तो हमें ये पता लगना चाहिए कि ये HTML है कैसे बन रहा है, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैंने बेसिक कोड यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर मुझे अपना फाइल इंपोर्ट करना है, तो जब हमें कोई फाइल इंपोर्ट करना है वो एक्चुअली आईफ्रेम में लोड होता है। आईफ्रेम का कोड कहाँ से मिलेगा? जब आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे HTML बेसिक्स में, आपको यहाँ पे बेसिक की सारी आइटम्स मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे आईफ्रेम लिखेंगे तो आपको आईफ्रेम टैग का पेज मिल जाएगा। ये देखिए आपके सामने आईफ्रेम टैग का पेज है। ट्राई इट योरसेल्फ करेंगे दोस्तों, आपको ये आईफ्रेम कैसे चल रहा है वो दिखाई देगा। तो या तो आप ये पूरा कोड उठा लें या आपने जो पहले कोड उठाया उसके अंदर आईफ्रेम डाल लें, जैसा भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो इसको हम अभी हटा देते हैं, डायरेक्ट यही कोड ले लेते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसे कॉपी करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये तो हो गया बेसिक जो हमने पिछली बार भी किया था, ठीक है। इसको अब हम सेव कर लेते हैं, मैं यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल सेव हो गया दोस्तों, अब जाते हैं अपने फाइल लोकेशन पे। तो ये फाइल अभी सेव हुआ है TXT में। अगर मुझे आईफ्रेम चलाना है या मुझे कोई HTML वेब ऑब्जेक्ट चलाना है, इट शुड बी HTML ओनली। तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम चेंज कर दूंगा, रीनेम करके HTML। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे एक्सटेंशन चेंज कर रहा हूँ। अगर आपके सिस्टम में आपको फाइल के एक्सटेंशन नहीं दिखाई दे रहे तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं दोस्तों। वो इनेबल करने के लिए कैसे करना है आपको बहुत सारे ऑप्शन नेट पे मिल जाएंगे। तो ये मैंने HTML फाइल अब इसको बना लिया। अब जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये ऐसे एज अ वेब ऑब्जेक्ट चल रही है, देखो खुल रही है, बट यहाँ पे ये पेज लोड नहीं हो रहा जो वहाँ पे लिंक लगा हुआ था। तो लिंक तो हमें अभी मॉडिफाई करना है, वो तो हमने मॉडिफाई किया नहीं। अब जाते हैं दोस्तों इसके लिंक पे, इसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं। एडिट प्लस प्लस में चले गए दोस्तों, राइट क्लिक करके ओपन कर लिया। अब ये एडिट प्लस प्लस में दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोर्स जो है दिया जा रहा है। तो आईफ्रेम में सोर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि सोर्स मतलब आपको कोई चीज कहाँ से उठानी है, राइट। अब क्लाइंट की जो HTML फाइल होगी या PDF फाइल होगी वो तो आप खुद बनाओगे अपने सिस्टम में, जैसे कि मैंने एक बना के रखी है, मैं उसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वो PDF फाइल डाल दी। अब दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पे PDF फाइल मैंने यहाँ डाल दी, इसका मुझे यहाँ क्या डालना पड़ेगा, लोकेशन डालना पड़ेगा दोस्तों। तो लोकेशन कैसे डालते हैं दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे, आप इसका कॉपी पाथ करेंगे, ठीक है, आपको ये पाथ कॉपी होके मिल जाएगा यहाँ से, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा पाथ मेरे सिस्टम का कॉपी हो चुका है और वो यहाँ पे आ गया। अभी ये पाथ एक्चुअल में सही नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो पाथ है ना दोस्तों, ये अभी पाथ आपको दिखाया जा रहा है इस तरीके से, आपको ये जो इसके जो ब्रैकेट्स हैं उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। ये जो ब्रैकेट्स है ना दोस्तों, वेब में हमेशा इस तरफ वाले ब्रैकेट्स काम करते हैं दोस्तों। इस तरीके के यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगते हैं दोस्तों, हमारे जितने भी वेब के आइटम्स होते हैं उसमें हमेशा फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। तो अगर यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगे हैं तो आप उसको चेंज करके फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट कर दें। और ये करने के बाद दोस्तों आपको इस फाइल को बेसिकली सेव कर देना है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरा बना नहीं है ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दो एक्स्ट्रा को इन्वर्टेड कॉमास आ गए थे दोस्तों, मैंने वो हटा दिए। अब आप देखेंगे ये पूरा एक लिंक की तरह बन चुका है, दिख रहा है। सेव करता हूँ दोस्तों, पहले से हमने ये फाइल चलाई हुई है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों। अब आप देखेंगे मेरा HTML का फाइल में वो वेब ऑब्जेक्ट, वो PDF जो मैंने बनाया था, वो मेरा अभी मेरे आईफ्रेम के अंदर लोड हो चुका है, ठीक है। अब आप देखिए आईफ्रेम में मेरा PDF लोड हो चुका है, लेकिन ये PDF जो है अभी उस तरीके से नहीं दिख रहा जैसा चाहिए। जैसे मेरे को इसका विड्थ इतना चाहिए है ना, तो मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये टाइटल जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों इसको हम हटा भी सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये खाली क्योंकि हमने W3 स्कूल से उठाया तो उसका बता रहा है कि आपने वहाँ से उठाया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दोस्तों विड्थ लिखा, इक्वल टू लगाता हूँ दोस्तों, इसका विड्थ कर देते हैं दोस्तों हम 100%। 100% का मतलब क्या है
कि जितनी विड्थ उसकी है उतना वो ले लेगा, ठीक है। तो मान लो उसकी विड्थ जितनी भी है उतनी आ जाएगी। इसको इन्वर्टेड कोमास में लिखना पड़ता है दोस्तों, तो मैंने विड्थ लिख दिया इन्वर्टेड कोमास में। अब जितना विड्थ उसका था दोस्तों उतना विड्थ ले लेगा जितना मेरे पीडीएफ का विड्थ होगा। अब यहाँ पे मुझे हाइट भी लिखना, तो मुझे हाइट भी डिफाइन करना है। मान लो मैं हाइट डिफाइन करना चाहता हूँ कि भाई 500 रहे, ठीक है, 500 पिक्सल में कर देता हूँ दोस्तों मैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास में नहीं लगाया, वो लगाना पड़ेगा, तो मैंने अब डिफाइन कर दिया। सेव करता हूँ दोस्तों, वापस आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो बड़ा हो गया, आई फ्रेम बड़ा हो गया। मैंने पीडीएफ को साइज नहीं किया दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पुराने साइज में भी पीडीएफ मेरी खुल रही थी। मैंने पीडीएफ को साइज नहीं किया, मैंने अपने आई फ्रेम को रीसाइज किया। आई फ्रेम का मतलब क्या है दोस्तों, ये फ्रेम जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, ये जो एरिया है इसे आई फ्रेम बोला जाता है। तो आई फ्रेम का भी मैंने साइज बड़ा कर दिया। अब मैं इसको 500 की जगह पे ज्यादा करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, 600 कर देता हूँ। दो रिफ्रेश करेंगे, 600 हो गया, ठीक है। बट दोस्तों ये ध्यान रहे कि आपका जो स्टोरी लाइन फाइल का साइज है उससे ये साइज छोटा रहे, ऐसा नहीं कि उसके ओवरफ्लो हो रहा हो, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया, अब मेरा एक तरीके से HTML फाइल रेडी है, ठीक है, HTML फाइल काम कर रहा है। इस HTML फाइल को दोस्तों मैं अपने स्टोरी लाइन में इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं दोस्तों, हम स्टोरी लाइन में आएंगे। स्टोरी लाइन में आने के बाद में वेब ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, अपना वेब ऑब्जेक्ट का पाथ पिक करेंगे दोस्तों, जो वेब ऑब्जेक्ट का पाथ है वो पिक करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे दोस्तों। इसमें बैकवर्ड स्लैश ही रहेगा, इसको फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने से कोई फ़ायदा दोस्तों हमें होता नहीं है। और इसको पाथ देने के बाद दोस्तों अब हम ओके कर देते हैं। ओके कर दिया तो आप देखेंगे आपका वेब ऑब्जेक्ट आपके स्टोरी लाइन फाइल के अंदर इम्पोर्ट हो चुका है। होने के बाद दोस्तों इसको पब्लिश करके देखेंगे ये कैसे काम करता है। आपने पब्लिश किया, व्यू प्रोजेक्ट करें दोस्तों, देखो आपका पीडीएफ जो आपने बनाया था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। वो पीडीएफ में वो सारे ऑप्शन काम करेंगे दोस्तों जो ऑनलाइन पीडीएफ में काम करते हैं, मतलब जब आप किसी पीडीएफ को ब्राउजर पे खोलते हैं तो काम करते हैं, वो सब ऑप्शन यहाँ पे काम करेंगे दोस्तों। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे, कॉपी कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों, अगर आप प्रिंट करना चाहें डायरेक्ट प्रिंट कर पाएंगे, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं सब मिलेंगे आपको। आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेन्यू को ऑन ऑफ करने के ऑप्शंस भी मिलेंगे दोस्तों, इसको आप हटा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आप चाहो वो मिलेंगे यहाँ पे दोस्तों। ऊपर हमने टैग चेंज कर दिया, ई लर्निंग डेफिनेशन लिख दिया, आप अपने पीडीएफ का नाम लिख सकते हो। मान लो आपका क्लाइंट चाहता है कि यार ये मेरे कोर्स का रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज ऑफ द कोर्स, ठीक है जी, रिसोर्सेज ऑफ द कोर्स, सेव कर दिया दोस्तों। रनिंग कोर्स में आप पब्लिश करेंगे दोबारा, पब्लिश करने की जरूरत नहीं है दोबारा दोस्तों, आप रनिंग कोर्स को रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे रिसोर्सेज ऑफ द कोर्स दिख रहा है। तो लर्नर को इस तरीके से आप अपने कोर्स के अंदर एक्सपीरियंस दे सकते हो। नॉट ओनली दिस दोस्तों, इसको आप बटन पे भी इनेबल करा सकते हो। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, आप यहाँ लेयर बनाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे दोस्तों, ये आपका रिसोर्सेज टैब है, इसको अपने हिसाब से दोस्तों आप छोटा बड़ा जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे छोटा मैंने इसलिए करा है दोस्तों क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बटन डालूँ। तो मान लो दोस्तों यहाँ मैंने बटन डाला, ठीक है, रिसोर्सेस, ठीक है, तो मैंने बटन डाल दिया। अब इसके क्लिक पे दोस्तों मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, शो लेयर करूँगा दोस्तों। शो लेयर कौन सा लेयर दोस्तों, अनटाइटल, जो मेरा नाम है, अभी मैंने नाम चेंज नहीं किया, वेन यूजर क्लिक, ठीक है। अब मैं पब्लिश करता हूँ दोस्तों, पब्लिश हो गया है, चलाता हूँ, इस पर क्लिक किया दोस्तों, ये मेरा ओपन हो गया साइड पे। अब आप देख रहे हैं मेरा ये साइड पे ओपन हो गया, बट यहाँ पे एक स्क्रॉल आ गया ऑटोमेटिक, क्यों दोस्तों, क्योंकि मेरा पूरा साइज़ यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो तो इसका साइज़ हमने बड़ा किया था, कितना साइज़ रखा हुआ है दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने साइज रखा हुआ हाइट 900, इसको कर देता हूँ 600, सेव करता हूँ दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। रिसोर्स पे क्लिक करेंगे, देखो नहीं आ रहा स्क्रॉल, अब अंदर का स्क्रॉल आ रहा है क्योंकि वो पीडीएफ के अंदर का ब्राउजर का है, बाहर का स्क्रॉल नहीं आ रहा।
तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ को अच्छे से इंपोर्ट कर लिया है। अब ये कैसी भी पीडीएफ हो दोस्तों, इंटरेक्टिव पीडीएफ हो, कंटेंट पीडीएफ हो, इसके अंदर चाहे आप हाइपरलिंक लगा के रखें, वो सारे हाइपरलिंक वगैरह सब कुछ आपका पीडीएफ के अंदर जैसे काम करता है ब्राउजर में, सेम तरीके से काम करेगा यहाँ पे भी दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों ये है तरीका जिससे आप अपने कोर्स में रिसोर्सेज या किसी भी तरीके का पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे वीडियोस दोस्तों हम आपके लिए हर हफ्ते लेके आते रहते हैं, इन वीडियोस को देखें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।